शुरू करती हूँ। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे इज़्ज़तदार उस्ताद और मेरे बहनों और भाइयों, मेरा नाम अरीशा है और मैं नवीं जमात की तालिबे इल्म हूँ। आज का मेरा अनवान है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा नाम उनर। इस्लामी तारीख में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा अपनी कुनियत अबू उबैदा के नाम से पहचाने जाते हैं, जबकि आपका असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्रा बिन हलाल था। आपका ताल्लुक कुरैश की शाख बनु फहर से था, जबकि आपकी वालदा बनु हारिस से थी। विलादत हज़रत अबू उबैदा का ख़ानदान असल मक्का की रिहाइश पज़ीर था। वहाँ पर आमिर फिर वहाँ पर 11 साल गुजारने के बाद आप हज़रत अब्दुल्ला बिन जर्रा के घर आपकी विलादत हुई और आपका बचपन वहीं गुजरा। कबूल इस्लाम बासत नबी के वक्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा की उम्र 29 साल थी। जवानी और आज़ादाना माहौल की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए जब इस्लाम का पैगाम आप तक पहुँचा तो आपने बिना किसी तर्द के इस्लाम कबूल कर लिया। और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले 8 लोगों में के बाद आपका शुमार किया जाता है। ज़ाती खसाइल और औसाफ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा उमदा खसाइल और आदात के मालिक थे। आप पर अल्लाह ताला का बेहद खौफ तारी था। आपकी तबीयत बहुत सादा थी, आप सादा औरतें और सादा खाते सादा पहनते थे। आपको इस्लामी लश्कर की क़यादत और शाम की विलायत संभालने के अहदे पर भी रखा गया, पर आप पर उन चीज़ों का कोई असर ना पड़ा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा का कद लंबा और बदन कमज़ोर था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत बिल शक व शौबा सादगी का आकाश थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी सीरत और किरदार से इस्लाम के लिए जो कारनामे सर अंजाम दिए वो आज भी उनको इस्लाम के अजीम सिपह सालारों में शुमार किया जाता है। फ़ज़ाइल मनाकिब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा की सबसे बड़ी ये फजीलत है कि जिस मजलिस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों को जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई थी, उसमें से एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा भी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जंग बदर में भी शिरकत नसीब हुई और बद्री सहाबा कराम में एक मुमताज़ शान रखते हैं। दीनी जद्दोजहद और कारनामे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा ने जिस तरह ईमान लाने में सबकत हासिल की, इसी तरह दीन की राह में आने वाली तमाम तकालीफ और मुश्किलात को का डट कर मुकाबला किया और सब में इस्तकामत हासिल की और दीन की सरबुलंदी के लिए कितने ही जद्दोजहद की जिससे इस्लाम के औराक भरे हुए हैं। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को इस्लामी रियासत करार दे दिया तो और उसके दिफा के लिए सन 2 हिजरी में जिहाद फर्जियत हुई तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम गज़वात में शिरकत की। और सन 3 हिजरी में ग़ज़वा अहद में कुफार के हमले से जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़ख्मी हो गया और बदन में फौलादी पेवस्त हो गई तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दांतों की मदद से उन्हें खींच कर निकाला, जिसकी वजह से आपके 2 दांत भी टूट गए। आप रज़ी अल्लाह तआला ने कायदाना सलाहियत को देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद मुसलमानी लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्से का अमीर हज़रत अबू उबैदा को भी करार दिया। वफात व मुदफन उस वक्त मुसलमान फ़लस्तीन के इलाके अम्बोस में थे कि ताउन की वबा फैल गई। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा के मशवरे से हज़रत उमर फ़ारूक ने मुसलमान फ़ौजी को दमश के इलाके में मुंतकिल कर दिया, पर वबा इतनी फैल चुकी थी कि हज़ारों मुसलमान फ़ौजी शहीद हो गए, उनमें से एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा भी थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा 18 हिजरी 59 साल की उम्र में इस दुनिया से इस दर फानी से कोच कर गए और आपका आखिरी आरामगाह मगरबी अर्डन के इलाके दर इला में वाक़ है, जहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद भी है। शुक्रिया।